हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने डांस वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, बट कोई नहीं, मैंने सोचा है आपको लोगों के लिए कुछ अलग से डिफरेंट वीडियो शेयर करूँ, जो कि मैं नहीं बताऊंगी, आपको कोई और बताएगा। तो चलिए फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस मिस शिवानी। हाय गाइस, तो आप सब लोग, ये है शिवानी, मेरी फ्रेंड जो एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। इनका खुद का पार्लर है आइकॉनिक वाला में। तो ये आपको बताएंगी कि आज ये क्या बताने वाली है हमको। तो हेलो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समर का सीजन चल रहा है, बहुत गर्मी होती है, बहुत चिपचिप होती है, लड़कियों की बहुत ज़्यादा इशू होते हैं कि इतना चिपचिप, इतना मेकअप ज़्यादा कर लो तो प्रॉब्लम, फाउंडेशन एक के अलावा अगर दूसरा यूज़ करते हैं तो दिखने लगता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ डे मेकअप में आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्या है, धूप में निकलते हैं, लगता है कि आज सर्दी में कितना मेकअप कर रखा है, बहुत ज़्यादा बोल्ड है, लाइनर बहुत बोल्ड है, लिपस्टिक बहुत डार्क है, मतलब मेकअप ऐसे करो डे मेकअप की वो लगे कि लगे ही नहीं कि वो मेकअप है, राइट। सबकी प्रॉब्लम होती है कि हाँ हम लोग खूबसूरत भी लगे और लगे भी कि हमारा मेकअप अच्छा है, हम लोग अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है, फेस की होती है, बहुत पसीना, बहुत चिपचिप, ज्यादातर फाउंडेशन लगाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, फाउंडेशन लगा लिया उसके बाद चिपचिप आ रहा है फेस, पसीना निकल रहा है, चिपचिप आ रहा है फेस। तो ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी, चलिए देखते हैं कि कैसे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इनका पूरा फेस वॉश हो चुका है, कोई भी मेकअप नहीं है, अभी कुछ नहीं लगा हुआ है। हम यूज कर रहे हैं लैक्मे का सीरम 925। सीरम से क्या होगा, हम जो भी प्रोडक्ट अभी यूज करने वाले हैं उसकी वजह से स्किन ड्राई नहीं होती है, आई मीन ड्राई नहीं दिखेगी। पैनकेक, बहुत से लोग सोचते हैं कि पैनकेक अच्छा होता है, बहुत से लोग सोचते हैं पैनकेक अच्छा नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको डे मेकअप करना है, एटलीस्ट नाइट मेकअप भी करना है, प्लेन सिंपल मेकअप करना है, तो पैनकेक से बेस्ट कुछ नहीं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं ज़्यादातर जो मेकअप करती हूँ ये 26 नंबर है, और ये मैंने यूज़ किया हुआ है ओलिविया का। ओलिविया के अलावा और भी ब्रांड्स आते हैं, आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। हम 26 ही यूज़ करेंगे क्योंकि इनको डे के हिसाब से मेकअप चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्राइट चाहिए होता है तो हम इससे ठीक यूज़ करें। इसको गीला कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना है, मीडियम पे रखना है कि हाथ पे कुछ लगे। क्या शेप बनाया हुआ है हमने, ये देखिए, ठीक है, ये सेम हम लोग उसी साइड पे इक्वली। नाउ आई एम यूजिंग दिस प्लेट, इसमें आपको आई शेडो भी मिल जाएगा, इसमें आपको ये जो डार्क शेड है इसको हम अपनी आईब्रोज पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्या है ज़्यादातर लोग पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर यूज करता है जेल लाइनर वो भी यूज नहीं करना, क्योंकि डे मेकअप है। ज़्यादातर पाउडर वाला यूज करने से क्या होता है, आपकी आईब्रोज है ना, तो थोड़ी नेक्स्ट लगेगा। आप अगर पाउडर वाला ज़्यादा यूज करेंगे तो वो ज़्यादा लगेगा, वैसे अकॉर्डिंग टू मी आईब्रोज डार्क होती हैं, बहुत डार्क भी नहीं बट नॉर्मल डार्क होती हैं, तो फीचर्स भी अच्छी आती हैं, हमारा फेस का जो लुक है वो अट्रैक्टिव लगने लगता है। ये है इसका यूज, हम अगर ये अपने आईब्रोज पे थोड़ा सा आई शेडो पाउडर, मतलब पाउडर लगाने के बाद अगर थोड़ा सा यूज़ कर दें तो इट्स बीइंग नेचुरल, या आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है, बहुत हैवी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लाइट मेकअप। तो कोशिश करिए जो भी आई शेडो आप यूज़ करिए वो ज़्यादा चमकीला ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लाइट कलर यूज़ करेंगे, ये लाइट कलर, आईब्रोज को थोड़ा सा उठा के देन आप इसको अप्लाई करेंगे।
ये जो टेप लगाए इसका बेनिफिट ये है कि जो भी आप आई शेडो वगैरह लगाएंगे वो उस तरफ एकदम क्लीन आएगा, फैला हुआ नहीं आएगा। अगर ये हेयर स्टाइल अच्छी लग रही है तो आप बोल सकते हैं प्रगति को, और ये इस हेयर स्टाइल में भी हम वीडियो बना सकते हैं। हाँ, और अगर आपको चाहिए है हमारा ये मेकअप कैसा लगा, इसकी मेहनत कैसी लगी, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा लाइनर है, क्या है, क्या नहीं है। मैंने बहुत ही सिंपल रखा है क्योंकि ये डे मेकअप है। आप ये भी याद रखिए कि ये डे मेकअप है, उस हिसाब से बहुत ही सिंपल रखा हुआ है कि लगे नहीं कि बहुत ही ज्यादा कर रखा है फेस पे कुछ। ठीक है, मैं तो बहुत खुश हूँ अपने मेकअप से, हेयर स्टाइल, माय हेयर स्टाइल वेरी प्रिटी। और गाइस आपको जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि और मेकअप का वीडियोस या हेयर स्टाइल वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, वो उसे रिक्वेस्ट करूंगी और वो आपको लाएगी। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना भूलिएगा, प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत अच्छे डांस करती है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है, और अगर आपको कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए या कुछ भी फैशन डिजाइनिंग के तौर पे, आपको सब आप कमेंट करिए, आपको सब हम लोग बताएंगे, सब शेयर करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट है, स्किन प्रॉब्लम है, हेयर प्रॉब्लम है, हम सब आपसे शेयर करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।